बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं YouTube चैनल, मैं हूँ शौकत हुसैन। मुख्तलिफ वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे जज कर सकते हैं, आपको कैसे पता चल सकता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। अच्छा, हर एक को शौक होती है और वो ये जाहिर भी करता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन कभी उसने अपने आप को जज करने की कोशिश नहीं की, या अगर जज करेगा भी तो उसको बहुत सारी शिकायत अपने बारे में मिलेगी। अपने बारे में तो हम सोचते ही कम है, हम ज़्यादातर दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। और जब कभी हम तनकीद करते हैं, हम किसी की तरफ ऐसे उंगली रखते हैं तो हमारे जहन में होनी चाहिए कि तीन उंगलियां हमारी तरफ होती है, कभी अपने गरीबान में भी झांकने की कोशिश करें। और अगर आप अपने गरीबान में झांकेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें जो अच्छे होने की कुछ, यूँ तो ये है कि हमारे मजहब के हवाले से आपको ज़ाहिर है अपना नेक बनना है, अच्छी आदत अपनानी है, इखलाक आपका अच्छा होना चाहिए, अखलाकी तौर पर आपके जो अखलाकी इकदार हैं आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप दूसरों के साथ जब बात करते हैं, दूसरों के साथ जब जो आपका ताल्लुक है, जो रिलेशन है, वो बिल्कुल मुखलिसाना है और आप उसमें आप ये कह लें कि आप फेयर होके चलते हैं। एक होता है बाद अवकात हम मक्खन लगाते हैं, किसी की बिला वजह तारीफ़ कर देते हैं, किसी को बिला वजह जो है अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप रियल किसी को अप्रिशिएट करते हैं कि उसके अंदर वो क्वालिटीज़ मौजूद है, तो यकीन माने ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छी आदत है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपके दोस्तों की तादाद बहुत लिमिटेड होनी चाहिए, बहुत कम लोगों से आपके जो है ना वो फ्रेंकनेस और खुले जो ताल्लुक होता है जिसको, वो बहुत कम और लिमिटेड लोगों से होनी चाहिए। आपके दोस्त मखसूस होने चाहिए, चाहे वो आपके अपने फैमिली मेम्बर हो चाहे फैमिली से बाहर हो, लेकिन लिमिटेड लोग अगर आपके साथ हैं तो ये आपके दूसरा नंबर आप कह लेंगे अच्छे होने की अच्छी बात है। फिर यह कि किसी की बुराई करना आपकी आदत में शामिल, भले आपको नज़र भी आ रहा है, आपको कोई खामी नज़र भी आ रही है, आप इग्नोर करना जानते हैं, आप माफ़ करना जानते हैं, आप किसी की बुराई छुपाना जानते हैं, और ये एक ऐसी अच्छी आदत है कि अगर आप किसी की बुराई छुपाते हैं तो आपकी अपनी बुराई भी छुप जाती है। अगर आप किसी का पर्दा करते हैं तो अल्लाह ताला आपका भी पर्दा रखता है, ये बहुत अच्छी आदत है। अच्छा, फिर यह है कि आप अपने बारे में जब कोई भी आपसे कोई गलती सरदर्द हो जाए, कोई आपका एक्शन हो, तो उस पर आप रिएक्ट करने के बजाय, आप रिएक्ट अगर करें भी तो उसकी जिम्मेदारी आप खुद लेते हैं, आप कबूल करते हैं कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने ये वाकई मिस्टेक की है, और आप अपनी गलती को अगर तस्लीम करना जानते हैं तो ये भी बहुत अच्छी आदत है। अच्छा, गुस्सा आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी आपके अंदर हिम्मत है अभी अगर कभी आपको गुस्सा आता है, क्योंकि कहते हैं कि कुछ मौके ऐसे होते हैं जिन पर भूलना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ मौके ऐसे होते हैं जिन पर खामोश होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको इस बात का फैसला करना आता है तो भी आप बहुत अच्छे आदमी। अच्छा, आप मेहनत करते हैं, आप अपने अंदर ये सलाहियत आपके अंदर मौजूद है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, जिसके लिए भी आप जो वर्क भी आप कर रहे हैं, तो आपको वो काम करना अच्छे तरीके से आता है और उस हवाले से मुकम्मल तौर पे दयानतदारी से आप काम करते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी आदत है। अच्छा, ये भी है कि आया आप जो आपका गोल आपने रखा हुआ है, जो टारगेट आपका मौजूद है, जो काम आप करना चाहते हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उस हवाले से आप अपने पेशे से कितने मुखलिस हैं, उसमें कितनी आप दयानतदारी का मुजाहरा करते हैं, आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, आप कहीं किसी जगह मुलाजमत कर रहे हैं, आपके जिम्मे कोई प्रोजेक्ट है, आप उसमें अगर कितना ऑनेस्टी आप जो है ना वो काम कर रहे होते हैं, ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है कि आपके अंदर जो है ना वो ये खूबी मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, आप बहुत हार्ड वर्कर हों, आप जिस भी शोबे में हैं उसमें मुकम्मल तौर पर आप मेहनत करना आप जानते हो और उस काम को मुकम्मल तौर पर इंजॉय करके करें। फिर अपने बारे में, अपने काम के बारे में कभी भी किसी के गलत कमेंट्स, किसी की गलत राय जो है उसको बिल्कुल आप एक्सेप्ट ना करें। अपनी राय को बिल्कुल आप दूसरों से राय ले सकते हैं, लेकिन राय हमेशा उन लोगों से लें जो राय देने की सलाहियत रखते हैं, जो राय देना जानते हैं। जिनको इस बारे में नहीं पता उनको बेशक डी ग्रेड ना करें, उनकी बात सुन के हाँ जी करके यस करके आगे चलें और अपना काम करते रहें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर लें, और अगर आप ये समझते हैं कि ये वीडियो अच्छी है तो इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।